आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो प्रॉब्लम है अपने पास, एंड दैट क्वेश्चन इज कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द सूटेबल वर्ड्स। अपने को चूज करना है वर्ड्स ऑप्शंस में से और फिर बताना कि फर्स्ट इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन सब ब्लैंक स्पेस में क्या होना चाहिए। ये सारे ऑप्शन है फ्रिक्शंस के बारे में। फ्रिक्शन तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। रफ सरफेस विल ऑफर ग्रेटर लोअर इनमें से एक चूज करके बताना कि रफ सरफेस कैसा फ्रिक्शन करेगी कंपेयर टू द स्मूथ सरफेस। एंड सेकेंड में पुट करना अपने को अगर हैवियर ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा फ्रिक्शन, जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा। ग्रेटर लोअर इनमें से कुछ चूज करना है। एंड फ्रिक्शन इज रेजिस्टिव फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें से एक अपने को चूज करना है, फिल करना है। तो देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। सबसे पहले फ्रिक्शन की नेचर चेक करता है, फ्रिक्शन कहाँ होता है। फ्रिक्शन हमेशा दो कॉन्टैक्ट सर्फेसिस के बीच में होता है। एक सर्फेस है, ये कॉन्टैक्ट सर्फेस होगी इसकी, इसको मैंने ग्राउंड पे यहाँ रख दिया, तो इनकी कॉन्टैक्ट सर्फेस यहाँ पे कहीं पे, ये कॉन्टैक्ट सर्फेस, इस कॉन्टैक्ट सर्फेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। लेकिन कब होगा, जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी। अगर मैं इसको पुश करता हूँ ये आगे जाने की कोशिश करेगा, उस आगे जाने की कोशिश में यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस मोशन को अपोज करने के लिए। इस साइड फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी मोशन को अपोज करने के लिए। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी कुछ होनी चाहिए। अब फ्रिक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फ्रिक्शन किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है सबसे पहले ये जो सरफेस है कॉन्टैक्ट सरफेस, इनकी रफनेस या फिर इनमें कितनी कॉन्टैक्ट, कितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग है यहाँ पे। ये सरफेस है, इसे माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सरफेस की यहाँ पे माइक्रोस्ट्रक्चर, इसमें इंटरलॉकिंग होगी, उससे जो रफनेस ज़्यादा होगी, जो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, उसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। सेकेंड डिपेंड करता है इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली ड्यू टू वेट, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अपन किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके वेट की वजह से यहाँ पे उसकी हैवीनेस, वेट मीन्स हैवीनेस की वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, एक वेट पे या नॉर्मल रिएक्शन। सर्फेसिस के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स है दैट इज या पुश फोर्स बोल सकते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करेगा। दो चीज़ें हो गई अपने पास, अभी ऑप्शन फिल करते हैं। तो रफ सर्फेस विल ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन, रफ सर्फेस से इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा ग्रेटर। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने को फिल करना ग्रेटर फिल करना है। सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं स्मूथ सर्फेस के, सेकेंड द हैवियर ऑब्जेक्ट, तो हैवियर ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होगा ग्रेटर रादर देन जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वेट पे डिपेंड करता है। थर्ड अपने पास फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स। तो बेसिकली कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि मोशन को रेजिस्ट करता है, ये होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अपने पास इसके अकॉर्डिंग करेक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए दैट मस्ट बी ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 अपना करेक्ट होगा कि ग्रेटर फ्रिक्शन ग्रेटर होगा रफ सरफेस से, हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेटर होगा और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये हो गया अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।